हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम जो है चैप्टर नंबर 4 जो कि हम लोग जो है पिछले क्लास में पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल, ठीक है। इसमें आज हम देखेंगे बेटा आइडियल कॉमन फैक्टर। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग जो फैक्टर था उसको निकालना सीखे हैं, आज आइडियल कॉमन फैक्टर हम लोग सीखेंगे, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हम कैसे निकालते हैं, जब हमको फैक्टर निकालने आ गया तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी आ जाएगा, और जिसको फैक्टर निकालने नहीं आएगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकाल पाएगा। इसलिए पहले जो है फैक्टर निकालना आपको बताया गया है, ठीक है। प्रत्येक नंबर का फैक्टर आपको निकाल जाना चाहिए, तभी जो है आप जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है फैक्टर। तो आइए हम लोग जानते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है पहले, ठीक है। कॉमन फैक्टर आर नंबर दैट आर फैक्टर आर टू आर मोर नंबर, ठीक है। दो या दो से अधिक नंबर जो होते हैं उसका हम जो है पहले फैक्टर निकालते हैं, आर फैक्टर, उसके बाद उसमें हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। जो सभी नंबर के फैक्टर होते हैं उसमें मैच करते हैं, उसको हम अलग करते हैं, तो कॉमन फैक्टर कहे जाते हैं। और उसमें जो हाईएस्ट होता है या बिगेस्ट होता है, ठीक है, उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। आइए एग्जांपल के द्वारा इसको हम समझते हैं। जैसे देखिए, जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम फाइंड करेंगे, ठीक है, पहले कॉमन फैक्टर की बात करिए। कॉमन फैक्टर जो है हम दो या दो से अधिक जो नंबर होंगे उनके फैक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद दोनों के फैक्टर को मैच कराएंगे। कौन फैक्टर आपस में मैच करेगा वही कॉमन फैक्टर होगा, और कॉमन फैक्टर को हम जो है अलग करेंगे, और उसमें जो सबसे बड़ा मतलब बिगेस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या बिगेस्ट कॉमन फैक्टर वही बोला जाएगा, ठीक है। तो आइए द्वारा देखते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमने पहले कॉमन फैक्टर फैक्टर ऑफ एंड ट्वेल्व, ये हमने दो नंबर लिया है 8 और 12। छोटा नंबर के द्वारा आप इसको पहले समझेंगे कि कॉमन फैक्टर होते क्या है। सबसे पहले तो हम 8 और 12 के फैक्टर फाइंड करेंगे, आर फैक्टर। तो यहाँ देखिए फैक्टर ऑफ 8 और 12 के फैक्टर आप निकालेंगे। पिछले क्लास में आपको बताया गया था फैक्टर को किस तरीके से हम जो है निकालते हैं या फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखिए एट जो है 1 से डिविजिबल है, 1 से प्रत्येक नंबर डिविजिबल होता है, तो इसको हम लिखते हैं 1 × 8, ठीक है। इसी तरीके से 8 जो है 2 से भी डिविजिबल है, 8 क्या होता है 2 से भी डिविजिबल है, इसलिए उसे जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, ठीक है। तो 2 × 4 भी इसका क्या हो जाएगा, तो दोनों फैक्टर हो जाएंगे। इसी तरीके से अब आगे आएगा तो 8 जो है 3 से नॉट डिविजिबल, अब उसके बाद 3 के बाद क्या हो जाता है 4, 8 जो है 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो जब भी यहाँ आप देखें 4 आता है तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ देखेंगे तीन साइड में अगर वो नंबर आ गया है तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं होती है, आपको सभी जो है आठ फैक्टर यहाँ पर मिल चुके हैं। इसके एक के आठ फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे आप मुकदम करेंगे या आपको सभी जो है नंबर 1, 2, 4 और 8 एट के आल फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ क्या करेंगे, एट के आठ फैक्टर में 1 कॉमन लेंगे, 2, 4 एंड 8,
ये इसके आगे कैंसर हो गए। आप समझ गए होंगे कि एक कैंसर किस तरीके से हम लोग ने यहाँ पर निकला है। इसी तरीके से आप बड़े नंबर या छोटे नंबर जो भी नंबर आपको देगा उसका आप पहले आल फैक्टर इस मेथड के द्वारा फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको ये अपनी कार्य है, उसके बाद इसको आप इस तरीके से राइट करेंगे। नेक्स्ट नंबर आता है उसको 12 का आल फैक्टर हम फाइंड करेंगे यहाँ पर 10 मेथड के द्वारा। तो यहाँ देखिए वन सिंपल एक नंबर डिविजिबल होता है, तो यहाँ हम सिंपल वन इंटू 12 ठीक है। उसके बाद उसको 12 हमारा 2 से भी डिविजिबल है, तो जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आपका 6 टाइम में डिवाइड करेगा, तो यहाँ से 2 आप यहाँ से निकाल सकते हैं 2 6 12 1 12 12 ठीक है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट आएंगे, आप ये देखिए 3 भी डिविजिबल है, 3 ये कितने टाइम में डिवाइड होगा 4 टाइम, तो यहाँ कहेंगे 3 × 4। अब नेक्स्ट आएंगे होगा तो आप देखिए 12 जो है हमारा एक 4 से 3 के बाद 4 से भी डिविजिबल है, जबकि यहाँ 4 8 का है ठीक। जैसे उसमें हमने बताया कि यहाँ अगर 8 का है वो नंबर तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है। अब इसी पर आपको पूरे फैक्टर के 12 के आठ फैक्टर लिखते हैं, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करके 1 से और 3 तरीके से आएंगे, और यहाँ सिंपल नंबर बेटा ये सभी फैक्टर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 6 एंड 12 ठीक है। यही वो 6 फैक्टर हैं जो 12 के फैक्टर है ठीक है। तो यहाँ आप इस तरीके से आप लिखेंगे इसका फैक्टर 1 ठीक है, उसके बाद 2, उसके बाद नंबर आएगा 3 ठीक है, उसके बाद नंबर आएगा 4, उसके बाद नंबर आएगा 6 और लास्ट में आपका 12। इसको ये करें उसको डिस्प्ले करता है यहाँ पर क्या लिखेंगे 12 इसका फैक्टर था आपने देखा तो ना ये 12। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ने पहले क्या किया, एक काम ये जो है जितने नंबर आपको दिए रहेंगे जिनके हाईएस्ट फैक्टर या कॉमन फैक्टर आपको फाइंड करना है, तो पहले तो हम कॉमन फैक्टर ही निकालेंगे। सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे इस नंबर का, प्रत्येक नंबर का, उसके बाद कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम फाइंड करेंगे लास्ट में ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, देखिए ये 2 नंबर हमको दिया गया था जिनका कॉमन फैक्टर फाइंड करना था, इसी से आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी समझ लेंगे ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रत्येक नंबर का पहले आठ फैक्टर फाइंड किया ठीक है। यहाँ देखिए 1 का फैक्टर 1 2 4 एंड 8 और इसी तरीके से 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 एंड 12 ठीक है। अब हम आते हैं कॉमन फैक्टर ठीक है, यहाँ देखिए कॉमन फैक्टर यहाँ लिखने होता सीओ डबल एफ ओयन कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड एन जो भी नंबर होगा उसको आप यहाँ लिखेंगे ठीक है। इसका मतलब है कि 8 और 12 का कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या मतलब होता है तो जो इन दोनों नंबरों के फैक्टर जो मैच करेंगे वो कॉमन फैक्टर में आएंगे। तो आप देख रहे हैं कौन कौन से मैच कर रहे हैं, यहाँ देखिए ये हमारा 1 मैच कर रहा है ठीक है, ये 2 मैच कर रहा है और क्या मैच कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए तो ये 4 मैच कर रहा है ठीक है। तो ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जो दोनों के फैक्टर है ठीक है, कौन कौन 1 2 एंड 4। तो जो दोनों के फैक्टर है वही जो है कॉमन फैक्टर ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे कॉमन फैक्टर, यहाँ देखिए 1 2 एंड 4 ये हमारे 3 फैक्टर जो है 1 2 एंड 4 ये 8 और 12 दोनों के क्या है कॉमन फैक्टर है ठीक है। कॉमन फैक्टर हम समझ गए। अब हम आते हैं उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि
हमारा टॉपिक है हाइजीन कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इसको साथ में आप क्या लिखते हैं, एस सी और एफ, ये हाइजीन कॉमन फैक्टर का साथ में है, तो हमने यहाँ यही लिख दिया उसको एस सी एफ, एस सी एफ आर एंड ट्वेल्व। अब डायरेक्ट एस सी एफ लिख सकते हैं। अब देखिए हाइएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, आप इसमें मैच करके देखेंगे, वन टू और फोर में सबसे बड़ा कौन सा कॉमन फैक्टर है, तो आप बोलेंगे फोर, फोर आपका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये नंबर आपका क्या हो जाएगा हाइएस्ट कॉमन फैक्टर में फैक्टर फाइंड करने के लिए। सबसे पहले जो नंबर दिया गया है, ठीक है, देखिए एचसीएफ जो होता है वो निकालने के लिए कम से कम दो नंबर चाहिए या दो से ज्यादा नंबर चाहिए, एक नंबर से कभी एचसीएफ नहीं निकलता है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक नंबर का हम केवल फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, उसका एचसीएफ हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। जब भी हम एचसीएफ फाइंड करते हैं दो या दो से अधिक नंबरों का एचसीएफ फाइंड किया जाता है। तो जो नंबर हमको दिए रहेंगे, चाहे दो नंबर हो चाहे दो से ज्यादा नंबर हो, ठीक है, उन सभी नंबरों का सबसे पहले हम फैक्टर फाइंड करेंगे अलग अलग, ठीक है। उसके बाद रहेंगे तो हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, जो सभी नंबरों के जो फैक्टर है वो कौन कौन से फैक्टर मैच कर रहे हैं वही कॉमन फैक्टर बोले जाते हैं, उनको हम फाइंड करेंगे जैसे हमने यहाँ पर मैच कराया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप में जब आप आएंगे उसमें हाइएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि ये जो कॉमन फैक्टर है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन है वही जो है यहाँ पर राइट करेंगे, तो आपको ये एचसीएफ यानी कि हाइएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टेप है ये पहला रूप था, ठीक है, जो कि आल फैक्टर के द्वारा हम जो है कॉमन फैक्टर फाइंड किए, उसके बाद हाइएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड किए, पहला मेथड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड अभी जो है आपको प्राइम फैक्टर के द्वारा बताया जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करके, ठीक है। तो पहले एक रूल आप कीजिए, उसके बाद जो है रूल आगे बताया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये हाइएस्ट कॉमन फैक्टर फोर इन दोनों का एक एंड ट्वेल्व का मिल गया। अब ये जानिए कि हाइएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है बच्चों, द कॉमन फैक्टर आर टू आर मोर नंबर विद द हाइएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। मतलब जो कॉमन फैक्टर होता है दो या दो से अधिक नंबरों का, अभी दो दो नंबर हमने लिया था, दो से ज्यादा भी नंबर हो सकते हैं, जैसे एक ट्वेल्व और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उन नंबरों का हम क्या करते हैं कॉमन फैक्टर निकालते हैं, और उसमें जो हाइएस्ट वैल्यू होता है जिसका जिसका वैल्यू हाइएस्ट होगा वो क्या बोला जाएगा हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और हाइएस्ट कॉमन फैक्टर को यस सी एफ लार्ज में लिखते हैं, ठीक है, और इसको ग्रेटर कॉमन डिवाइजर भी कहा जाता है, यानी कि जी सी डी ग्रेटर कॉमन डिवाइजर, इसको और क्या करते हैं देखिए, इसको ग्रेटर कॉमन डिवाइजर, ठीक है, यानी कि चार इसमें क्या क्या हो सकता है जी सी जी सी डी, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं देखिए, ये हो गया प्रतिशत। अब यहाँ से समझेंगे कि किसी भी नंबर का जो नंबर हमको दिए रहते हैं जो एचसीएफ होता है वह
बड़ा से बड़ा नंबर होता है ऐसा वो जो है हाईएस्ट नंबर होता है जो इन दी गई संख्याओं को या दिए गए नंबरों को ठीक है पूरा पूरा डिवाइड करता है या जो है दिए गए नंबर पूरी तरह से डिविजिबल होते हैं ठीक है जैसे फोर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा फोर टू या एट इसी तरीके से फोर से ट्वेल्व को हम डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा फोर टू या ट्वेल्व ठीक है तो किसी भी नंबर जो नंबर दिए रहते हैं उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वह ऐसा हाईएस्ट नंबर होता है यानी बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करता है आपने देखा कि फोर से यह भी डिवाइड होता है फोर से यह भी डिवाइड होता है और फोर से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा जो इन दोनों नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड कर सके ठीक है तो जो बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर देता है या जो दिया गया नंबर हो दो या तीन या चार जितना भी हो ठीक है उसको डिवाइड कर देगा तो बड़े से बड़े नंबर को हम क्या बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं ठीक है तो यहाँ से आप समझ गए होंगे आइए बेटा यहाँ से ऐसे प्योर सेल्फ से क्वेश्चन आप करेंगे ये पहला क्वेश्चन आप लोग ने देखा अभी सेकेंड क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन है बेटा फिल इन द ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक ठीक है क्वेश्चन क्या है यहां पर स्थिति 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 और यहां पर आप क्या करना है और यह दिया जाएगा एंड और यहाँ कुछ करना है आपको ठीक है छोटा छोटा इसको बनाते हैं एंड और यहाँ बात कर आता कि उसके बाद में आप एंटर आपके और एंटर वही बात है जो ऊपर लिखा गया है इसमें
नंबर फिल कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो इजी तरीके का क्वेश्चन आपका आगे भी है 3 और 4 में, इसको कर लेंगे बेटा आप। ठीक है, आप यहाँ से देखेंगे एक क्वेश्चन हमने करवा दिया है, एक क्वेश्चन हमने करवा दिया है, और नेक्स्ट पेज पर आएंगे ऊपर तो ऊपर इसी तरीके का 3 और 4 क्वेश्चन ऊपर दिया गया है। ठीक है, आप इसको स्वयं करेंगे और आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर बी पर। बी देखेंगे बेटा, बी में लिखा है फाइंड एनी टू फैक्टर्स ऑफ ई चार को खाली। बी में देखिए लिखा है फाइंड एनी टू फैक्टर्स ऑफ द फाइंड। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर क्या दिया है, चार पॉइंट में आप देखेंगे 18, सेकेंड में क्या दिया है बेटा, सेकेंड में 20। ठीक है, आप दो क्वेश्चन में यहाँ समझ लेंगे। ठीक है, तो 18 के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एनी, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से, आंसर डायरेक्ट एनी टू फैक्टर ऑफ 18 इक्वल टू 1 और 18 सिंपल है बेटा। इसमें आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से आप लिखेंगे तो ही आपको प्रॉपर्टी बताया गया था किसी भी नंबर का 1 एक फैक्टर होता है। ठीक है, और वो नंबर सेम अपने आप का फैक्टर होता है इससे। ठीक है, तो इस तरीके से हम को कुछ करने की जरूरत नहीं, खोजने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ जाने से कोई भी नंबर होगा उसका 1 फैक्टर जरूर होगा। ठीक है, जो कि यहाँ लिखा गया है, और वह नंबर अपने आप का फैक्टर होता है, इसलिए 18 और 20 हम यहाँ राइट कर देंगे। इसी तरीके से 20 के लिए हम नहीं लिखा, 20 के लिए हम लिखे आंसर में टू फैक्टर आप यहाँ पर हो जाएगा 20। ठीक है, आप 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और 20। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे। ठीक, कि कोई भी नंबर होगा उसका 1 एक फैक्टर होगा, और एक्सेस वो नंबर ही उसका एक और फैक्टर होगा। और ये भी बताया गया पढ़ती में कि 1 जो होता है तो अभी कोई भी नंबर होगा, प्रत्येक नंबर का जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है वो 1 माना जाता है, और इससे वो नंबर ही जो है हाईएस्ट फैक्टर उसका माना जाता है, या ग्रेटेस्ट फैक्टर माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन और है, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, बी में है फाइंड द ऑफ फैक्टर, फाइंड द ऑफ फैक्टर ऑफ नंबर आपको क्या है, तो मान लो फर्स्ट क्वेश्चन में 25 क्या लिखा है, 25 के ऑफ फैक्टर आपको फाइंड करने हैं, तो इसके आप फैक्टर निकालने के लिए आपको बताया गया था, यहाँ लिखेंगे ऑल फैक्टर ऑफ 25 इक्वल टू, यहाँ पर फाइंड करेंगे 25 को क्या लिखते हैं बेटा, 1 × 25। ठीक है, पहला जो आप ये जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 से प्रत्येक नंबर डिवाइड होता है, नंबर ही आ जाएगा यहाँ पर अपने आप। ठीक है, दोनों फैक्टर है 25 के 1 और 25, ये जो है आपका स्मॉलेस्ट फैक्टर है 25 का, और ये ग्रेटेस्ट फैक्टर या सबसे बड़ा फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम आएंगे इंडियन फैक्टर के लिए,
होगा, फोर्स नहीं होगा, लेकिन डायरेक्ट आपका फाइव इंटू एट होगा। तो यहाँ क्या निकलेगा, फाइव इंटू फाइव, ठीक है, फाइव इंटू फाइव। तो इसके बाद अब कोई जो है सेंटर इनका मिलने वाला नहीं है, अब ये जो है सीधे 25 से डिवाइड होगा, जब 25 यहाँ पर दे दिया गया है वैल्यू से, तो आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सेक्टर कितना मिलता है, मीटर में होंगे आपको सभी सेक्टर यहाँ पर है, लेकिन ये हुआ फाइव। अब देखिए फाइव टू टाइम दिया गया है, ठीक है, तो आपको दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, केवल वन टाइम पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 25 जो है हाल फैक्टर आपको मिल गए हैं। इसी तरीके से बच्चों को क्वेश्चन नंबर 3 आप जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी अभी आपने पढ़ाया गया है, हाइएस्ट सम फैक्टर। क्वेश्चन नंबर डी, फाइंड द एलसीएम ऑफ, आपको एलसीएम यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। मेथड आपका दो मेथड है, अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और आर फैक्टर मेथड, ठीक है। उसमें जो है कॉमन फैक्टर फाइंड करके जो कि आपको बताया गया है अभी, ठीक है, तो उसी रूल को आप फॉलो करेंगे और एक क्वेश्चन लगाएंगे। अभी सेकेंड मेथड आपको नहीं बताया गया है तो उसका इस क्वेश्चन में आप नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन जो बचा है वो हम लोग लास्ट क्लास में लेंगे, ठीक है, आगे वाले दिन में, तो उसमें हम लोग सीखेंगे। आज यहाँ उसी रूल को देखेंगे। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको क्या नंबर दिया गया है, 12 and 13। तो इसके आप पहले आर फैक्टर निकालेंगे, आर फैक्टर ऑफ 12, और इसी तरीके से तो आर फैक्टर ऑफ 13, ये आप फाइंड करेंगे। अभी आपको जैसे बताया गया है 12 के लिए क्या निकलता है, 1 into 12 पहला फैक्टर, और 12 से डिवाइड हो रहा है यहाँ के लिए 2 into 6, और 12 से डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा 3 into 4, और 12 है 4 से डिविजिबल है तो यहाँ पर 4 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बना रहता है। अब इसके फैक्टर कभी लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 6 and 12, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों हम लोग 30 का निकालेंगे, 30 का फैक्टर इसी तरीके से आप फाइंड करेंगे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 30 का जो फैक्टर निकल कर आएंगे 1 into 30, 30 का फैक्टर क्या हो जाएगा, जैसे 2 से डिविजिबल है तो 2 into 15, 30 3 से डिविजिबल है 3 into 8, 30 आपका 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल है तो 5 into 6, और 30 जो है इसके बाद 5 के बाद वो नंबर आ जाए 6, तो ये 6 से भी डिविजिबल है, 6 यहाँ पर आ चुका है, तो आपको यहाँ पर सभी फैक्टर इसके जो है लिखते हैं यहाँ से अंतर होंगे, तो ये आप जो भी फैक्टर यहाँ पर क्या करेंगे इसका 1, 2, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद है आपका 10, उसके बाद आपका 15, उसके बाद लास्ट है 30। तो इरेज करते हैं बताइए, और यहाँ पर कॉमन फैक्टर आपको लिखना है, ठीक है, कॉमन फैक्टर फैक्टर ऑफ 12 and 13, 12 और 30 का जो है कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये क्या होगा, देखिए यहाँ से मैच करेंगे आप 1, 2, 3, ठीक है, ये तो मैच कर रहा है, देखिए 3 को मैच कर रहा है और कोई नहीं मैच कर रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से 1, 2, 3 and 6, अब उसमें आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एफ सी एफ ये फाइंड करना है, एफ सी
इसमें आपको कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन दिख रहा है? सी क्या है? सी ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलता है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप आंसर चेक भी कर सकते हैं। सिक्स से ट्वेल्व भी डिविजिबल है, सिक्स से ये थर्टी भी डिविजिबल है, और यही वो जो है ग्रेटेस्ट नंबर है जिसमें जो है दोनों नंबर डिविजिबल है। इससे बड़ा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा जो दोनों नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करे। ठीक है, इसलिए इसमें जो है क्या माना जाएगा, इन दोनों नंबर का एलसीएम माना जाएगा। तो ये दो नंबर को अभी आपको बताया गया था। ठीक है, और इसी रूल को फॉलो करते हुए आप जो है एक क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलसीएम का सेकेंड रूल देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बेटा।